तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? कृष्ण। यशोदा, ये जो आपकी गोद में, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और ये कृष्ण आपका नाम होगा, इनका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये यशोदा पुत्र आपके पुत्र हैं। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गता। ये कृष्ण जब भगवान थोड़ा बड़े हुए ना, तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हुई। भगवान की लीलाएं बड़ी अच्छी हैं। क्या क्या लीला की भगवान ने? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयम् स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। भगवान छोटे से जब थे ना, तो वत्सान मुंचन, छोटे छोटे बछड़ों को भगवान खूंटे से खोल देते थे। क्वचित समय, आ समय गोपियां शिकायत करने जाएं, मैया ओ यशोदा मैया का है गौ सखी, अरे तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए, सारो दूध पी लेती हैं गई बछड़े गईयों का, हमारे पास दूध मिलता नहीं, हम कैसे क्या करें। एक सखी बोली, मैया हम मथुरा जाए ना, तेरो लाला पेड़ पर चढ़कर गोलेल से हमारी मटकी तोड़ दे और सारो मक्खन बिखर जाए, जब हम भाग के आए तो ये जीव निकाल के चाटवे लग जाए माखन। एक सखी बोली, मैया गजब कर दियो तेरे लाला ने, का क्यों हमारे लाला ने, मैया तेरे लाला का करे, हमारे घर में खिड़की से घुस जाए और दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके अंदर से, और यो दारी को का करे कि ग्वाल बालों का गोला बनाए, गोला के ऊपर स्वयं चढ़ जाए, माखन से मटकी से माखन निकाले, सबन के मुंह में लौंदा फेंक फेंक के मारे, सबको खवावे और आखिरी में खुद खाए के दारी को दरवाजा खोल के बड़ो सर घर के मालिक के जैसे निकल जावे। मैया तेरो लाला बड़ो परेशान करे। मैया बोली, चोरे लाला, कन्हैया ओ कन्हैया। हाँ मैया का है गो। अरे लाला जरा देखियो तो सही, सखियां तेरी शिकायत करवे लग गई। मैया का क्यों हमारी सखियों ने, अरे तेरी शिकायत करवे लग गई, तू बहुत उधम करे। मैया मैंने कछु ना कियो। अब भगवान छोटे से हैं और शिकायत गोपियां कर रही हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत करती हैं? शिकायत नहीं थी, शिकायत का बहाना था, दर्शन करना था। गोपियां भगवान से प्रेम करती। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चोरे लाल तने माटी खाई, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोल के भगवान ने जब पूरा ब्रह्मांड दिखाया, भगवान के मुंह में क्या दिखाई पड़ा, किसको दिखाया था भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड किसको दिखाया? हाँ, सखियों को नहीं, किसको? मैया यशोदा को। मैया ने कहा, तैने माटी खाई है ना मैया, ना हम भक्षितवानंब, मैंने माटी नहीं खाई, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा ने देखा। मैया को लगा, मेरा छोरा तो भगवान है, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड रखने की ताकत रखने वाले भगवान, क्या माखन को चुरा के खाएंगे? चोरी तो एक लीला है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लीला ही तो कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे ही भगवान लीला करते थे। कभी एक भगवान, जैसे अभी ये छोटा सा बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर गिर गया, ऐसे ही भगवान गिर जाते थे दूसरे बच्चों के ऊपर, है ना। छोटे छोटे बच्चे ना चोरी चोरी खा लेते हैं, हाँ या ना, इन्हें पता बस चल जाए कि टॉफी चॉकलेट कहां रखी है, फिर देखो। ऐसे ही भगवान करते थे। इसलिए बच्चों का जब दर्शन हो तो बच्चों का दर्शन कृष्ण के भाव से ही होना चाहिए कि ये कृष्ण की लीला है। बच्चों में क्या दर्शन होना चाहिए? भगवत दर्शन होना, भगवान का दर्शन, कि भगवान ये लीला कर रहे हैं। गोपियों के एक दिन क्या हुआ, गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी कि अब कन्हैया आएगा पकड़ लेंगे। और जब घंटी बांध दिया, मैया यशोदा ने कहा, तुम सब पकड़ के लियो, तब मैं लाला की शिकायत सुनूंगी। अब गोपियों ने जब घंटी बांधी और भगवान गए तो घंटी लटकी। भगवान बोले, घंटी आज यहाँ क्या कर रही हो? घंटी बोली, सरकार आज यहाँ लटके हैं। क्यों लटकी हो, क्या बताएं? मैया ने, सखी ने लटका रखा। भगवान बोले, घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई क्या? भगवान बोले, घंटी बंधी तो हो मटकी पर बजना मत। घंटी बोली, जी सरकार नहीं बजेंगे। अब भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए, मटकी से मक्खन निकाले, सबको खवाए, सच्ची घंटी नहीं बजी। और जब घंटी नहीं बजी तो भगवान को लगा कि जब
नहीं बज रही है तो सब खा गए, थोड़ा हम भी खाएं, और जब भगवान खाएवे लग गए तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काय को बज गई? घंटी बोली सरकार ये जगत के लोग जब खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जब जगन्नाथ मेरे भगवान भोग लगाते हैं तो बिना बजे कैसे रहूं। सखियां आई और पकड़ लिया, और पकड़े गए भगवान। अब सारे ग्वाल वाल तो भाग गए, ग्वाल वाल भागे कन्हैया मटकी पे लटके थे, लटके ही रह गए। नीचे से ग्वाल वाल भाग गए, भगवान लटके। सखी बोली अब पकड़े गए कन्हैया, चल तेरी मैया से शिकायत करें। एक सखी बोली शिकायत करवे ना, चलो या की मैया को यही पकड़ के लाओ। कन्हैया बोले मैया को बाद में ले आइयो, सखी ने एक मोकू नीचे तो तार। अब भगवान के कंधे कंधे ने, सखी ने कंधा बढ़ाया, भगवान ने पांव रखा और कन्हैया को धीरे से नीचे उतारा। तू चोरी क्यों करता है? सखी तो को का बताऊं, तेरे घर में माखन की कमी है का? अरे सखी कमी तो ना है, पर चोरी के माखन में आनंद ही कुछ और आए। मैया जब गोद में बिठा के माखन खवाए ना तो उतना स्वाद ना मिले जितना स्वाद चोरी में मिले। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की? अपना बचपन फटाफट याद करके बताओ, आपने बचपन में कोई चोरी की है खाने पीने की? लड्डू चुराया हो, गुजिया चुराई हो, शक्कर चुराई हो, गुड़ चुराया हो, मिश्री चुराई हो, जिनने चोरी की है बचपन में हाथ उठाए। देखो बच्चे सच्चे हैं, आप लोग बड़े झूठे। चोरी की होगी पर हाथ नहीं उठा रहे, हम चोर कहें अपने आप को। दादाजी आपने बचपन में चोरी की खाने पीने की? हाँ, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। आपने बचपनों को चुराया तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे थे? आप दादाजी को चुराए बचपन में खाने पीने की? ओ दादाजी आप याद नहीं है? आप भैया याद नहीं है? बहुत भुलक्कड़ हो। हमने बचपन में खूब लड्डू चुरा चुरा के खाए, हमारी मैया बना के रखा करे लड्डू, और जरा भी कहीं जाए उठा के तुरंत एक इस जेब में एक उस जेब में और लेके भाग जाए खेत की तरफ, और पूरे फिनिश करके बाद में मुंह पहुंचते हुए आए और फिर मांगे एक और दो कि आज वाला तो मिले ही नहीं। चोरी से लड्डू और चोरी से आम, खेतों में आम होते थे तो घुस जाए, कितना भी बाड़ी लगाए किसान पर सारी बाड़ी तोड़ दें, आम लो आए और देखे कि आ रहा है तो भाग जाए। खेतों से चने चुरा लें, चने हरे चने दो चार पेड़ उखाड़ के खा लें। भगवान भी ऐसी करते हैं। आप में से शायद कोई हो जो चोरी ना किया, हम बचपन में चोरी से खा लेते हैं जो मिल जाए। अपने घर में मैया गुजिया बनाए तो गुजिया खा लें, लड्डू बनाए तो लड्डू खा जाए, तो हम सब चोरी करते हैं। तो हम ये चोरी करना ना ये स्वभाव होता है बच्चों का। ये चोरी क्या होता है? स्वभाव होता है। क्यों मैया आप लोगों ने चोरी की कि नहीं बचपन में? हाँ या ना? तो हाँ तो उठा के बताओ की हो तो। आपने क्या चोरी करके खाया? क्या चुराया? हाँ क्या खाती थी? हाँ मैया आप क्या चुराती थी? बर्फी, जो भी बन जाए मिठाई विठाई बढ़िया चुरा के थोड़ा बहुत, क्योंकि मैया जो दे वो हिसाब से दे, वो खाना ज्यादा है तो एक नंबर की भी खा लो, फिर बाद में गुड़ मिल जाए तो गुड़ ही खा ले। कुछ भी मीठा हो शक्कर जेब में भर ले, शक्कर ही खाते रहे। चोरी से दूध पी जाए। हमारे यहां गैया जी तो लगाने बैठे, हम लगाती लगाते पीते जाए, जब कोई आ जाए तो लगाने लग जाए बढ़िया बर्तन में, बोले यार दूध कही गई ने कम दिया है। तो ये सब बचपन में ऐसी भगवान चोरी करते थे माखन। अच्छा खाने पीने की चोरी चोरी नहीं कहलाती, पैसे की चोरी सोना की चोरी चोरी है, लेकिन आपके घर में घुस के रोटी खा लूं आपकी ना तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। मैं आपके घर में घुस के आपके घर में लड्डू खा लूं, खाने पीने की चीजें खा लूं और खाने पीने की चीजें जेब में भर लूं कि शाम को भी खा लूंगा, ये भी चोरी नहीं है। चोरी तब मानी जाएगी जब मैं आपका सोना चुरा लूं।
जब मैं आपका पैसा चुरा लूं, जब मैं आपके घर में कोई हीरे मोती चुरा लूं, पैसा चुरा लूं, वो चोरी मानी जाएगी। मैं आपके घर के आटा का कट्टा उठा के भाग जाऊं, ये चोरी है। चावल का कट्टा उठा के भाग जाऊं, ये चोरी है। पर बना बनाया चावल खा लूं चुरा के, वो चोरी नहीं है। बनी बनाई रोटी खा लूं, वो चोरी नहीं है। वो अन्न पर सबका अधिकार होता है। ऐसे भगवान माखन खाते थे। हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना, बिल्ली चोरी से दूध पी जाए। बिल्ली चोरी नहीं करती, बिल्ली का दूध पर अधिकार होता है। दूध पर सबका अधिकार है। गाय का दूध है वो तुम्हारा भी अधिकार है, तुम्हारा ही, ऐसा नहीं। गाय के दुग्ध पर सबका अधिकार है। कुत्ता भी पी सकता है उसे, बिल्ली भी पी सकती है उसे। जिसे मिल जाएगा वो चट कर जाए, उस सबका अधिकार, वो चोरी नहीं मानी जाएगी। हाँ या ना? भगवान माखन चुराते हैं, माखन कोई चोरी है?